एक दिन में लगातार मुझे 3 मूवीज देखनी पड़ गई। अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग हो रही है कि मैम ये मूवी जो वो एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं, कहीं ना कहीं मैं रिव्यू करने के लिए वीडियो बनानी है इसलिए इन मूवीज को देख रहा हूँ, जो एक काफी गलत बात है। खैर, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं विकी विद्या का वो वाला वीडियो मूवी के बारे में। वैसे काफी लेंथी नाम है और लेंथ भी इस मूवी की काफी ज्यादा, 2.5 घंटे के आसपास इस मूवी की लेंथ को रखा गया। और इससे पहले वाली जो मूवी जो मैंने देखी थी वो जिगरा मूवी थी, उसकी लेंथ भी 2.5 घंटे के आसपास थी। अब इन दोनों मूवी को कंबाइन कर दो तो 5 घंटे यहीं चले जाते हैं, मतलब दिन के 5 घंटे मैंने 2 मूवीज देखने में निकाल दिए। एक और मूवी भी मैंने देखी है, खैर उसके बारे में अभी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, जब अलग से उसकी वीडियो बनाएंगे ऑब्वियसली कुछ चिलर तो मुझे भी कमाने ही है, वहां हम उसके बारे में बात कर लेंगे। जो इस मूवी का मैंने ट्रेलर देखा था मुझे वो इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था, फिर भी मुझे ये मूवी देखनी थी क्योंकि मजबूरी थी। बात करेंगे इस मूवी में क्या अच्छा है और क्या इसके अंदर कमियां। बात कर लेते हैं सबसे पहले इस मूवी की क्या कहानी है। वैसे जो कहानी जो ट्रेलर में दिखाई गई है वही सेम कहानी जो मूवी में है, ऐसा कुछ नहीं है कि मूवी के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा, नहीं, कोई भी सरप्राइज कोई भी सस्पेंस ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है ट्रेलर के अंदर। तो जिन्होंने नहीं देखा है थोड़ा बहुत मैं आपको लोगों को बता देता हूं। तो विकी नाम का एक व्यक्ति है जो विद्या नाम की लड़की से प्यार करता है, उसे शादी करना चाहता है, ऑब्वियसली विद्या भी विकी से प्यार करती है और ये दोनों जैसे तैसे कोई बाय हुक बाय क्रूक जो है तिकड़म लगाकर एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। विकी जो है वो मेहंदी लगाने वाला होता है, मतलब उसकी हॉबी नहीं ये उसका एक्चुअल में काम है, और विद्या जो है वो एक डॉक्टर होती है पेशे से। मुझे ये नहीं आता कि जो एक ऐसी लड़कियां कहां मिलती हैं जो डॉक्टर हैं और उन लोगों को मेहंदी लगाने वाले से प्यार हो जाता है, उनको छपरी लोंडे पसंद आ जाते हैं, कहां मिलती हैं ऐसी लड़कियां। विकी विद्या की जब शादी हो जाती है तो विकी को आइडिया आता है कि हाँ हम अपनी सुहागरात की वीडियो बनाएं, जिससे कभी मतलब उनके हस्बैंड वाइफ में कभी लड़ाई हो तो उस सुहागरात की वीडियो को फिर से देखकर वो फिर से वही करें जो उन्होंने सुहागरात वाली वीडियो में किया था। मतलब कहां से कौन सा आइडिया लेकर आए हैं, ये सब चीजें बात करेंगे। ये कुछ एक्चुअल में जो एक आज का विषय है, आज का मतलब पहले भी था और अब भी है, ट्रेंड में ही ये चीजें रहती हैं। कई लोगों को ऐसी इच्छाएं भी होती हैं कि वो अपनी प्राइवेट वीडियो या फोटोज भी लेते हैं, हम उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विकी जो आइडिया लगाते कि अपनी एक ऐसी प्राइवेट वीडियो बनाए, और जब वो बना के उस वीडियो की सीडी अपने घर पे लाता है और जब इसके घर पे चोरी हो जाती है तो वो चोर जो है उस सीडी को भी अपने साथ लेके चला जाता है। अब इन दोनों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्रिएट वहां पर कि भाई उनकी वीडियो चोरी हो गई है, उनकी वीडियो क्या उनकी सीडी चोरी हो गई है, तो अब वो उस सीडी को कैसे वापस लाते हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम होती है और क्या ये मूवी जो है वो सोशल मैसेज देती है। इन तमाम सवालों के लिए तो आपको देखो ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें क्या अच्छा देखने को मिलता है। जो मुझे अच्छी चीजें इसके अंदर लगी, देखो इसके अंदर काफी ज्यादा कोशिश की गई है कॉमेडी रखने की, हर एक डायलॉग के ऊपर एक जोक क्रैक करने की कोशिश की गई है, तो कहीं ना कहीं ये जो जोक क्रैक किया गया है हर डायलॉग के ऊपर वो वर्क किया है। कुछ एक सीन ऐसे होते हैं इस मूवी के अंदर जो काफी ज्यादा आपको पसंद आएंगे, काफी सारे ऐसे डायलॉग आपको सुनने को मिलेंगे जो आप बहुत ज्यादा खुलकर हंसेंगे, मतलब बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ गए हो, अपने दोस्तों के साथ गए हो, तो आप डेफिनेटली इस मूवी को बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। ये जो जोक क्रैक करने वाली चीजें हैं कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं क्या है हम उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके अंदर जो डिमरी है उनको जैसे हमने अभी तक जिस तरीके से पोर्ट्रेट उनको किया गया था एक आइटम सॉन्ग के तौर पर जिस्म दिखाने के लिए उनको जैसे दिखाया गया था, उनको मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ पर एक्टिंग करते हुए एक्चुअल में उनकी जो एक एक्टर जो है वो जिस तरीके की परफॉर्मेंस करती वो देखने को मिलती, वो अच्छा मुझे लगा। बाकी सबने भी अच्छा काम किया है, विजय राज हो गए उनका भी काफी ज्यादा अच्छा काम मुझे लगा। और ये जो मूवी है वो 1997 के टाइम पर बेस्ड है, मतलब उस वक्त जब ऋषिकेश उत्तराखंड ना होकर उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, तो उस टाइम में जिस तरीके का जो ड्रेसिंग सेंस है, जो सेट डिजाइन है, उन को बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाया गया, जो एक अच्छी चीज है इस मूवी के बारे में। अब जो मेन मैसेज ये मूवी देने का करती है कि भाई जो पहले के लोग या इवन मैं आज की डेट में भी कहूँ, काफी सारे हमने सुने भी हैं ऐसे न्यूज भी हमने सुनी है, इवन कईयों ने वो वीडियोस भी देखी होंगी जो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा फेमस जो लोग हैं। अब देखो मैं उनकी कोई वीडियो या फिर उनकी कोई फोटो या उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि वो उस चीज से गुजर चुके हैं, उस मेंटली टॉर्चर से गुजर चुके हैं या इवन आज भी वो गुजर रहे हैं। तो जिस तरीके की वो अपनी प्राइवेट वीडियोस बना लेते हैं जिसके चलते उनकी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो जिस मेंटल टॉर्चर से गुजरते हैं, लोग कभी भी इन सब चीजों को नहीं भूलते हैं। इवन लोग आज भी उन जो फेमस इंस्टाग्राम के ऊपर जो वीडियो बनाते थे या यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो बनाते थे उनके वहां पर जाके वो गलत कमेंट करते भी हैं कि भाई तुम्हारी उस वीडियो को हमने देखा है, तो जिस तरीके के वो कमेंट आज भी उन लोगों के वीडियोस पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के दिमाग में वो हमेशा चीज रह जाती है कि हाँ तुमने वो गलत वीडियो बनाई थी। तो उस विषय को ये कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश करती है और बताती है कि लापरवाही के अंदर जो चीजें हो जाती हैं उनसे लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
जाती है, उनका उनकी लाइफ पे क्या असर पड़ता है, लोग उनके मन में क्या आता है कि वो सुसाइड कर लें, क्योंकि चार लोग अब क्या बोलेंगे, उनकी लाइफ के बारे में वो सवाल उठाएंगे, तो वो सब चीजें जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, उन मुद्दों को उठाया है, उन सीरियस मुद्दों को यहाँ पर उठाए गए हैं। और मुझे लगता है कि यार एक अच्छी बात है ये बताना कि देखो जो पार्टनर है अपने साथ या फिर जो भी कपल है अपना प्राइवेट समय अपने पार्टनर के साथ बिता रहे हैं तो उस चीज को ना फोन में कभी रिकॉर्ड करें ना उसकी कभी फोटो लें, क्योंकि नहीं पता होता कि कब वो जाके वायरल हो जाएगी, लोग उनके लिए वो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो एक काफी बढ़िया मैसेज इन्होंने देने की कोशिश की गई है। ये हो गई इस मूवी की अच्छी अच्छी बातें, अब बात करते हैं कि मूवी के अंदर कमियां क्या। देखो जो मैंने कॉमेडी इसके अंदर बात करी कि हाँ इसके हर एक डायलॉग के ऊपर जोक क्रैक करने की कोशिश की है तो वो कहीं कहीं वर्क करता है, कहीं कहीं पर भी आपको ऐसे फील होगा कि वो धक्के से उन चीजों को आपको परोसा जा रहा है कि वो जबरदस्ती की कॉमेडी वहां पे की जा रही है। जैसे मैं बात करूं विजय राज और मल्लिका शेरावत की, जिस तरीके की केमिस्ट्री यहां पर बनाने की कोशिश की है वो बिल्कुल भी फनी नहीं लगती है। सीरियसली वो मुझे देखकर काफी ज्यादा बुरा लगा। इसके अंदर जिस तरीके के जो जोक यूज किए गए हैं वो काफी पुराने हैं, जो व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर हमने कभी पढ़े होते हैं, तो उन सब पुराने जोक्स को उठाकर यहां पर रखा गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मेकर्स को थोड़ा समझदार यहाँ पर होना चाहिए था कि लोगों ने यार उन सब चीजों को पढ़ा भी होता है, वो जो व्हाट्सएप के ऊपर आया करते थे, जो फेसबुक के ऊपर आया करते थे, तो आप उनको उठाकर आप जोक दे रहे हो यार मूवी के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा गलत चीज है जो डिसअपॉइंट करती है मूवी के बारे में। मूवी का डायरेक्शन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। मूवी के अंदर स्त्री 2 का भी यहाँ पर यूज किया गया, उस स्त्री का यूज किया जाता है लास्ट के अंदर, लगभग लास्ट के अंदर मूवी के अंदर वहां पर दिखाया गया, तो मुझे उसका लॉजिक समझ नहीं आया कि वो क्यों यूज किया गया, क्या वो फनी वे में यूज किया गया था, तो नहीं बिल्कुल भी वो फनी नहीं लगता है, वो बहुत ज्यादा चीप लगता है। वहां पे चीप VFX के यूज किए गए हैं, वो बहुत ज्यादा घटिया एक मैं कहूंगा कि वो डायरेक्शन था या फिर वो सीन वहां पर रखा गया है, वो डेफिनेटली उस चीज को वहां पर हटा देना चाहिए था। मूवी की लेंथ जो है वो 2 घंटे मतलब 2.5 घंटे के आसपास है, और मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर काफी सारे ऐसे सीन थे, अगर उन सीन को हटाकर ये मूवी अगर 2 घंटे में रख देते तो ये मूवी काफी ज्यादा बेटर वर्क कर सकती थी। और एक और चीज जो मैं बताना भूल गया, अर्चना पूर्ण सिंह का जो करेक्टर है इस मूवी के अंदर वो इतना ज्यादा वाहियात है, इतना ज्यादा वो इरिटेटिंग है यार, वो जिस तरीके का वो डायलॉग उनको दिए गए या फिर जो पान खाते हुए या मसाला खाते हुए जिस तरीके को बोलते दिखाया वो बहुत ज्यादा घटिया है। मतलब वो इतना बेकार सीन है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं थी इस मूवी के अंदर, वो बिना वजह वो धक्के से उस चीज को वहां पे डाला गया है। बाकी मूवी के अगर सॉन्ग की बात करूं तो वो भी इतने मुझे कुछ खास नहीं लगे। तो ये है मूवी की कमियां। ओवरऑल अगर बात करूं तो देखो इसकी मूवी की कहानी एक एवरेज कहानी है जिसके अंदर एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है। मूवी के जो अंदर जो कॉमेडी है वो कहीं कहीं वर्क करती है और कहीं कहीं पर आपको ये पकाएगी, हंसाएगी भी साथ ही साथ पकाएगी भी। तो मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, और नहीं देखी है तो देखो ये पारिवारिक मूवी तो है नहीं, जिस तरीके की यहाँ पर बताया जा रहा है कि पारिवारिक मूवी है, नहीं, बच्चों के साथ तो आप इसको नहीं देख सकते हो। हाँ, आप अपने हस्बैंड वाइफ जा सकते हो, दोस्तों के साथ जा सकते हो, इस तरीके का आप इस मूवी को देख सकते हो। तो मेरी तरफ से तो देखो मैंने आप लोगों को बता दिया 6 out of 10। जिन्होंने देख ली है तो कमेंट करना, जिन्होंने नहीं देखी है तो 1 time कंसिडर कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।